गाइस बहुत धोखा हो गया गाइस, मोदी जी कैसे ऐसे आप जनता को थैंक यू बोल रहे हैं? जनता जो आपको वोट देती है, कौन आपकी रैलियों में भीड़ बढ़ा रहा था, कौन सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा रहा था, अच्छा सिला दिया आपने जनता के प्यार का, तीसरी बार तो जनता की सुन लेते, मिडिल क्लास को मिड में छोड़ दिया। आपके लिए मरने वाले भी इस बजट को वर्स्ट बजट बता रहे हैं। इतना पुण्य लेकर कहाँ जाओगे आप? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जनता को मझधार में छोड़ना मोदी सरकार के लिए नई बात नहीं है, फिर भी मोदी 3.0 से उम्मीद तो थी कि वो देश की जनता के मुख्य मुद्दे इस बजट में उठाएंगे, लेकिन मुद्दे उठाना तो दूर, उन्होंने मुद्दे एक्नॉलेज ही नहीं किए। जी हाँ, बजट से पहले दिन आता है एक इकोनॉमिक सर्वे, जिसे बजट का गाइडिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। आप जरा इसके चैप्टर्स के टाइटल्स को देखें, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टेडी एज शी गोज, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। हाँ, क्या ये हमारे ही देश की बात हो रही है? जितना हेडलाइन मैनेजमेंट यहाँ दिखाई पड़ता है, उससे ज्यादा ही बजट में है। गरीब महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता के बस नाम है, उनके नाम पर बस कॉर्पोरेट्स को असल छूट है। चलिए सबसे ज्वलंत मुद्दा युवाओं के रोजगार को ही देखते हैं। इस पर वित्त मंत्री ने तीन बातें कही। सबसे पहले, हर महीना 5,000 रुपए की इंटर्नशिप देंगे, इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। सोचो, आपके दोस्त एक शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर देते हैं और आप युवाओं को देखिए 5,000 रुपए। दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इतने में पीजी का किराया भी नहीं निकलता। और एक साल बाद क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? कुछ नहीं। दूसरा आइडिया है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो मैक्सिमम 15,000 तक का सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। देख रहे हैं आपकी जॉब लग जाती है तो सवाल है कैसे? हाँ, लेकिन वित्त मंत्री को इसकी चिंता नहीं है। रेलवे, पब्लिक सेक्टर और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 9.64 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, इन्हें ही भर लेते। लेकिन नहीं, ये तो रेलवे के अनाउंसमेंट जैसा है। कृपया ध्यान दें, बेरोजगार अपने रोजगार के खुद जिम्मेदार हैं। सरकार से ज्यादा उम्मीद ना रखें और अपना अपना देख ले। कौन होंगे वो 1 करोड़ युवा जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है। तीसरा सरकार का आइडिया है, EPFO में आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 2 साल तक 3,000 रुपए जमा कराना, यानी कि हर एम्प्लॉय पर 72,000 रुपए। मतलब इससे तो कंपनी का ही फायदा है, कंपनी पहले ही अपना प्रॉफिट कमा रही होती है और आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अब सरकार मालिक को ही उसकी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त कर रही है और हर एम्प्लॉय पर 72,000 रुपए का तोहफा दे रही है। एम्प्लॉयर को रोजगार बढ़ाने का इंसेंटिव मिल भी जाए तो आप इन स्कीम्स को मॉनिटर कैसे करेंगे? क्या आपने कुछ कड़े पेनल्टी के नियम बनाए हैं? नहीं, बजाय उसके कुछ ही दिन पहले सरकार ने EPFO पर डिफॉल्ट करने पर कंपनियों की पेनल्टी को कम कर दिया था। आपने देखा, असल जॉब बढ़ाने की कोई तरकीब सरकार के पास नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम पर कॉर्पोरेट्स की तरफ ही पैसा बहाया जा रहा है और बेरोजगारों को इंटर्नशिप का झुनझुना पकड़ाया जा रहा है कि इसी में लगे रहो, असल रोजगार भूल जाओ। रोजगार का ही दूसरा पहलू है रोजगार के हालात। आज सबसे बड़ा असॉल्ट लेबर के ऊपर है, तरह तरह से उन पर ही प्रोडक्टिविटी का दबाव है। 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं जहाँ ना तनख्वाह अच्छी है ना काम के घंटे फिक्स है। काम से निकाल दे तो कोई सुनवाई नहीं है। इनकी समस्याओं को देखने समझने की तो सरकार की हालत है ही नहीं। काफी पॉसिबिलिटी है कि निर्मला जी को ये लोग वाकई में दिखाई ना देते हो। ये वही लोग हैं जो महीने का 10,000 से कम कमाते हैं, लेकिन ये भी GST से लेकर टोल टैक्स सभी देते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सोशल मीडिया पर आपने अब तक टैक्स के ढेरों मीम देख ही लिए होंगे। जब दुख हद से बढ़ जाता है तब आदमी मीम से हंसते हंसते अपना दुखड़ा शेयर करता है। इस बजट से पहले ही पता लग गया था कि 60% से ज्यादा टैक्स देकर गरीब और मध्यम वर्ग ही इस देश को चला रहे हैं। वहीं अमीरों की दुनिया में अलग ही सीन चल रहा है और लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। रोजगार जनरेशन के नाम पर चुप रहने वाला ये बजट अमीरों की तिजोरी भरने के नए नए रास्ते निकाल रहा है। सोचिए, किसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, एक नौकरी करने वाले इंसान को या लाखों और करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली कंपनी को? लेकिन इतिहास में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स GDP का 27.2% है, जबकि इनकम टैक्स 29.2% है। उस पर भी अब की बार विदेशी कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 40 से 35% कर दिया गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह।
अरे बैठ जाओ अभी और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोन्स पे डिफॉल्ट करते हैं तो कोई नहीं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट से हम आपको संभाल लेंगे। ऐसे फ्रॉड्स पर जेल यूपीए के जमाने में जाते थे, अब आप जेल फ्री और टैक्स फ्री रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। अब आप टीडीएस वगैरह टाइम पे नहीं भरते तो कोई बात नहीं, आपको और कंसेशन मिलेगा। स्टार्टअप वालों के लिए 30% एंजल टैक्स माफ। कैसे करते हैं ये लोग, इतनी इनइक्वालिटी फैली है। एक तरफ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और सरकार कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिलीफ पे टैक्स रिलीफ दिए जा रही है। थोड़ा सा भी दिल नहीं करता कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं, गरीबों का मन रखते हैं, या फिर अमीरों की संगत में रहकर और भेदभाव की राजनीति करके पत्थर बन चुके हैं जो बस अपने धन की बात सुनते हैं, मन की बात नहीं। देश के गरीबों के लिए भी बहुत कुछ है इस बजट में। मनरेगा में कुछ नहीं, फूड सब्सिडी में 3.33% का कट, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 13.18% कट, एलपीजी में 2.57% कट, लेबर वेलफेयर फंड में 1200 करोड़ की कटौती, लेबर बजट में 3000 करोड़ की कटौती, रूरल डेवलपमेंट फंड में 20% कटौती, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और क्लीन वाटर प्रोग्राम में 1500 करोड़ की कटौती, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में 43% की कमी। फिर बढ़ा क्या, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 2.5% का इंक्रीज, पर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो बहनों, ये सिला मिला है आपको मोदी जी को वोट देने का। आप ही को बड़ी फिकर थी ना उनकी, लेकिन उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इन सब वेलफेयर के मसलों को बजट के तड़के में मसालों की तरह ट्रीट किया गया है। मेन इंग्रेडिएंट्स तो अमीरों के लिए रिजर्व है, जो गरीबों को दी जाने वाली बेसिक जरूरतों को सरकार ही रेवड़ी कहे तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये वही वेलफेयर की जरूरी स्कीम्स हैं जो देश के एक बड़े हिस्से को इंसानी गरिमा देती हैं और जीवन यापन का सहारा देती हैं। जब आप ये सहारा भी छीन ले तो आप एक लोकतांत्रिक देश की सरकार नहीं, किसी रियासत के जमींदार लगते हो जिसे अपनी रियाया को कुचलने में मजा आता है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, सरकार नहीं चाहती कि गरीब आदमी के पास कोई सुख हो। सुख तो छोड़ ही दीजिए, कोई टाइम भी हो इस दुनिया और सरकार की चालाकियों को समझने का। पर पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, पब्लिक सब जानती है। आपको क्या उम्मीद है, इस बजट में कुछ मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर की बात करें तो कहां तो एमएसपी को लीगलाइज करने की तरफ ठोस कदम लेना था, कहां ये सरकार उससे कोसों दूर अग्री बिजनेस पर पहुंच गई है। जिस तरह बाकी मसलों में एक कॉर्पोरेटाइजेशन का तरीका निकाला जा रहा है, वैसे ही यहाँ भी कॉर्पोरेटाइजेशन पर पूरा जोर है। एक उदाहरण है, सरकारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस में भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रिसर्च की जगह बनाई जा रही है, जिससे आगे चलकर एग्रीकल्चर रिसर्च को ये डायरेक्ट कर सकेंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर में डिजिटल को घुसाया जा रहा है। एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है जिससे किसानों की जमीनें, उनकी खेती को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा और उनका डिजिटल सर्वे किया जाएगा। क्या किसी किसान आंदोलन ने इस तरह की कोई डिमांड की? किसको चाहिए किसानों का डिजिटल डेटा? जाहिर सी बात है कि ये सब बातें किसानों से मिलकर नहीं, कॉर्पोरेट से मिलकर तय की गई हैं। असल में असली किसानों को इस सरकार ने बजट से पहले कोई डिस्कशन के लिए बुलाया ही नहीं। किसानों की असली डिमांड एमएसपी लागू करना, कम ब्याज दरों पर फसल बीमा और लोन, बिजली और पानी की सुविधा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, फर्टिलाइजर उपलब्ध कराना जैसी चीजों पर तो बजट खामोश है। सरकार का किसानों को मैसेज है कि अपनी जिद और अपनी जमीनें छोड़ दो और कॉर्पोरेट के गुलाम बनने को तैयार हो जाओ। मिडिल क्लास को भी संभल जाना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो आपकी खाने की थाली में भी छेद होगा। तो हु इज दिस बजट फॉर? ऐसा लगता है कि ये सरकार का अपने कॉर्पोरेट बॉसेस को पे बैक टाइम है। बाकी अपनी बैसाखी की सरकार भी तो चलानी है। अगर कहीं कोई दरियादिली दिखाई गई है तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। एक तरफ ऐसा लगता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को 10-15 हजार करोड़ देके ये अपनी सरकार बचा लेंगे, पर दूसरी ही ओर ये बात भी उभर रही है कि ये एलोकेशन भी बहुत कम है। और मजे की बात ये है कि ये पैसा भी सरकार खुद नहीं देगी, बल्कि वर्ल्ड बैंक जैसे दूसरे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसी से दिलवाएगी। लेकिन असल मुद्दा है फिस्कल फेडरलिज्म का। इस तरह आप दो स्टेट्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दोगे
और बाकी को सौतेले बच्चों जैसा ट्रीट करोगे? ये बजट देश की असलियत तो दिखा ही नहीं रहा, अपनी जो छवि बना रखी है और अपनी कागजी फैंटेसी को ही फुलफिल कर रहा है। इस बजट में सरकार ने क्लियरली बता दिया कि उसे देश के 90% लोगों की परवाह नहीं है, उसे बस टॉप 1% को साथ लेकर चलना है। बाकी लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे में एक मैसेज है, आप ज्यादा हार्ड वर्क करें, काम में ज्यादा घंटे लगाएं और ओवर टाइम को भूल जाएं। साफ शब्दों में कहें तो नई सदी में एक अच्छा गुलाम बनने को तैयार रहें। दवायत के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।